स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा की जा रही है। 28 मार्च को एनसीबी की एसआईटी टीम ने मुंबई के सेशन कोर्ट में आवेदन कर अदालत से चार्जशीट दायर करने के लिए और समय मांगा है। वहीं आज यानी गुरुवार को विशेष अदालत यह फैसला करेगी कि क्या एनसीबी को क्रूज शिप ड्रग मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दिया जाना चाहिए या नहीं। एनसीबी का कहना है कि अभी भी ड्रग्स मामले की जांच जारी है। मुख्य पंच गवाह किरण गोस्वामी का वॉलंटरी स्टेटमेंट दर्ज करना अभी बाकी है, इसलिए अदालत को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और वक्त देना चाहिए। एनसीबी ने आवेदन कर चार्जशीट जमा करने के लिए कोर्ट से 90 दिन का समय देने की आग्रह किया था। गौरतलब है कि आर्यन खान ड्रग्स केस की चार्जशीट फाइल करने के लिए एनसीबी को दिए गए 180 दिन 2 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। नियमों के मुताबिक 2 अप्रैल तक एसआईटी को इस मामले की चार्जशीट दायर कर देना चाहिए। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने समय समाप्त होने से पहले ही सेशन कोर्ट से वक्त मांग लिया है। बता दें कि एनसीबी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को लग्जरी क्रूज शिप पर छापा मारा था। छापेमारी में हिरासत में लिए गए कुछ युवकों में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। इस मामले में कुल गिरफ्तारियां 20 हो चुकी हैं। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।